हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम करेंगे रीजनिंग का टॉपिक एनालॉगी। एनालॉगी को हम सिमिलैरिटी भी बोल सकते हैं। अब मैं आपको पहले बेसिक सिखाऊंगा कि एनालॉगी हमें किस तरह से आ सकती है, मतलब कितनी टाइप से आ सकती है। तो हमें ये नंबर बेस आ सकती है, लेटर बेस आ सकती है, वर्ड बेस आ सकती है, यानी कि तीन चार टाइप से आ सकती है। तो सबसे पहले आज हम करेंगे नंबर बेस। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 8:9 डबल रेशो 64 रेशो क्या आएगा, यानी कि 8 से उसने 9 बनाया है और 64 से क्या बनेगा। पहले हम ये देखेंगे 8 से 9 कैसे बन सकता है। 8 में प्लस 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा, सेम 64 में हम प्लस 1 करेंगे तो 65 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला आंसर क्या होगा, पार्ट सी, यानी कि 65। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन मैंने लिए हैं सेम। देखिए 8 से 9 बना है तो 64 से मैंने फर्स्ट में 65 बना दिया, सेकंड में 8 से 9 बना है तो 64 से क्या बनेगा। तो आप पहले देखो 8 से 9 किस तरह से बन सकता है। 8 प्लस 1 करेंगे तो 9 आ सकता है, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 बन जाएगा, 3 का स्क्वेयर करेंगे तो 9 बन जाएगा। नेक्स्ट 64 है तो 4 का क्यूब करेंगे, देखो 2 का क्यूब किया 8 बन गया, 3 का स्क्वेयर किया 9, फिर 4 का क्यूब किया तो 64 बन गया। देन नेक्स्ट क्या आएगा, पहले 2 आया, 3 आया, 4 आया, तो अब 5 आएगा। पहले क्यूब था, फिर स्क्वेयर था, फिर क्यूब था, अब दोबारा स्क्वेयर आ जाएगा, तो 5 का स्क्वेयर करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 25। देखिए एक और क्वेश्चन है इसी बेस पे, 8 से 9 बना है तो 64 से क्या बन सकता है। देखिए 8 रेशो 9 डबल रेशो 64 रेशो डैश मतलब क्या आएगा। तो ऐसे भी हो सकता है कि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, यानी कि 8 से बना दिया 64 और हम 9 से बनाएंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। देखिए एक ही क्वेश्चन है जो तीन तरह से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13:39 डबल रेशो 15:- तो 13 से 39 कैसे बन सकता है। अगर मैं 13 की मल्टीप्लाई 3 से करूं तो 39 बनेगा, सेम 15 की मल्टीप्लाई भी 3 से करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1:3:6 डबल रेशो 3:4:5 रेशो क्या आएगा। तो 1:3 से बनाया है 6, तो हमने 3:4:5 से बनाना है, तो 1:3 से 6 बन सकता है अगर हम 1:2 करें, 3 करें तो 3:2 6, 6:1 करेंगे तो 6 ही आएगा। नेक्स्ट 3:4:5 करेंगे हम तो 4:3 12, 12:5 करेंगे तो 60 आ जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए 1:3 की मल्टीप्लाई और 1+2+3 करेंगे तब भी 6 आएगा, लेकिन 3+4+5 करेंगे तो 5, 4, 9, 3, 12, 12 ऑप्शन में नहीं था। अगर ऑप्शन में 12 होता फिर 16 ही होता होना था, तो मतलब 12 भी राइट आंसर है अगर ऑप्शन में होता तो। नेक्स्ट है 12 का 72 बना है, 14 से बनाना है, क्या बनेगा। तो 12 से 72 किस तरह से बन सकता है, 12:6 करेंगे तो 72 बन जाएगा, तो 14:6 करेंगे तो हमारा 84 बनेगा, जबकि 84 ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये वाला मेथड राइट नहीं है जो इस क्वेश्चन में लगा है। फिर और किस तरह से आ सकता है, अगर 12 को मैं हाफ कर दूं तो 6 आएगा, तो 12:6 करूंगा तो 72 आ जाएगा, सेम 14 को हाफ करूंगा तो 7 आ जाएगा, तो 14:7 करूंगा तो 98, ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 से बना है 43, तो 47 से बनाना है। तो देखिए 41 से अगर 41 में मैं 2 डालूं तो 43 बन जाएगा, सेम 47 में 2 डालूंगा तो 49 बनेगा, तो 49 ऑप्शन में नहीं है, यानी कि प्लस 2 वाला इसमें मेथड नहीं यूज़ हुआ है, कोई और ट्रिक देखनी पड़ेगी। देखिए 41 एक प्राइम नंबर है, तो 41 के बाद आएगा 43, देन 47 आएगा प्राइम नंबर, तो 47 के बाद 53 आएगा प्राइम नंबर। तो राइट आंसर क्या होगा, 53, जहाँ पे प्राइम नंबर सीरीज चली है।
अब टू से बना है 32, तो 2 से 32 बन सकता है 2 की पावर 5 टाइम करें तो बन जाएगा 32। तो 3 की पावर 5 टाइम करेंगे यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 और 3 5 टाइम, तो 3 से 3 करेंगे 9, 9 से 3 करेंगे 27, 27 से 3 करेंगे 81, 81 से 3 करेंगे तो 243 होगा हमारा राइट आंसर यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 37:5 2:60 क्या आएगा। तो 37 से 5 बना है, 37 से 5 किस तरह से बन सकता है, अगर मैं 3+7 करूं तो 10 बन जाएगा, 10 का हाफ करूं तो 5 बनेगा, तो सेम 6+2 करूंगा तो 8 बन जाएगा, 8 का हाफ करूंगा तो 4, 4 ऑप्शन में है बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25:625 35 से क्या बनेगा। देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर की मैंने ऑलरेडी आपको ट्रिक सिखाई है कि अगर लास्ट डिजिट 5 हो तो 5 का सीधा सीधा 25 लिख देना है, और बचा हुआ नंबर यानी कि 2 की मल्टीप्लाई इसके नेक्स्ट नंबर यानी कि 3 से, तो 3×2 करेंगे 6, बिल्कुल 25 से 625 बनेगा, तो 35 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपल ट्रिक से 5 का 25 ऑलरेडी आपको पता है, 5 से 25 बनेगा, और 3 की मल्टीप्लाई इसके नेक्स्ट नंबर यानी कि 4 से, 4×3 करेंगे तो बन जाएगा 12, तो 1225 होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 5 से बना है 125, तो 5 से 125 कैसे बन सकता है कि 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूं, 5×5×5 करेंगे तो 125 बन जाएगा, तो सेम 6×6×6 करेंगे तो 6×6 36 करेंगे तो 216, ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 225 से बना है 9, देखिए किस तरह से बन सकता है, अगर मैं डिजिटों को प्लस कर दूं यानी कि 2+2+5 करूं तो 9 बन जाएगा, चेक कर लेते हैं, तो 3+4+3 करेंगे तो 3 और 3 6 और 4 10, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 162 से बना है 9, तो अब हमने नंबर लेना है जिससे 8 बन जाए, 08 बन जाए, तो 162 से 9 कैसे बन सकता है, अगर मैं 1+6+2 करूंगा तो 9 बन जाएगा, तो सेम ऐसा कौन सा ऑप्शन से नंबर, देखो अगर मैं 5+3 करूं तो 5+3 करूंगा तो 8 बन जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है 10 से 50 बनाया है, तो 10 से 50 10×5 करूंगा तो 50 बन जाएगा, सेम 12×5 करूंगा तो 60 बन जाएगा, बट 60 ऑप्शन में नहीं है यानी कि जे लॉजिक सही नहीं है। फिर हम नेक्स्ट चेक करेंगे 10×10 का हाफ 5, तो 10×5 करूंगा तो 50, तो 12 का हाफ करूंगा तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 12×6 करूंगा तो 72, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7:133, देखिए ऐसे भी हो सकता है अगर मैं 3+3 6 और 1 7 बना लूं, तो नेक्स्ट ऑप्शन देखिए कोई ऐसा जिससे 9 बन जाएगा, तो 7 और 4 11 12 बन जाएगा, 1 बन जाएगा, नेक्स्ट से 7 1 1 ये भी ऑप्शन सही है, 8 5 3 बिल्कुल ऑप्शन सी। और भी कोई लॉजिक देख लेते हैं, अगर मैं 133 को 7 से डिवाइड करूं तो 7×1 करूंगा 7 6 आ जाएगा 9, यानी कि 7 की मल्टीप्लाई अगर मैं 19 से करूं तो बन जाएगा 133, सेम 9 की मल्टीप्लाई 19 से करूंगा तो 9×9 81 8 कैरी 9×1 9 और 8 117, तो 171, देख लिए दो लॉजिक से आंसर निकल गया। तो ये था हमारा एनालॉजी का टाइप फर्स्ट यानी कि नंबर बेस्ड के ऊपर जो भी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हम करेंगे लेटर बेस या फिर वर्ड बेस। अगर आपको मेरी ट्रिक्स अच्छी लग रही है तो मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सप्लोजन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतने, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।